मरहरा में उर्स कासमी को लेकर पूरमपुर में हुई बैठक, उर्स को लेकर की गई चर्चा। जी हम बात कर रहे हैं जनपद पीलीभीत की तहसील पूरमपुर में, पूरमपुर से, जहां शाह बजमे बरकात ने उर्स कासमी मरहरा को लेकर एक मदरसे में उर्स को लेकर बैठक की। बैठक में उर्स को लेकर चर्चा की गई। शकील बरकाती ने बताया, दुनिया भर में मशहूर कादरी सिलसिले की दरगाह खानकाह बरकातिया में उर्स कासमी 10 नवम्बर से शुरू होगा, जो 4 दिन तक उर्स में दीनी प्रोग्राम होगा। 13 नवम्बर को कुल शरीफ की फातिया के साथ उर्स का समापन हो जाएगा। मौलाना याकूब ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर 3 साल से उर्स कासमी नहीं हुआ था। कोरोना के बाद 3 साल बाद उर्स कासमी मनाया जा रहा है। इस बार उर्स कासमी में जायरीनों की तादाद अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे देखते हुए पूरमपुर के रजाकार और उसमें 4 दिन पहले पहुंचकर मेहमानों की खिदमत करेंगे। हाफिज नदीम बरकाती ने बताया, उर्स कासमी खानकाह के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयद शाह अब्दुल कासिम इस्माइल हसन उर्फ कासिम मियाँ की यादें मनाया जाता है। उसमें आने वाले जायरीनों के लिए खानकाह पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। हजारों जायरीनों की खाने की व्यवस्था को लेकर साल लंगर खाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर साहिब बजमे बरकात ने तैयारियां में जुट गई है। शकील बरकाती ने बताया, पूरमपुर हर साल की भांति इस साल भी 1 नवंबर को बाद नमाज ईसा चादरों का जुलूस निकाला जाएगा। बैकट में शकील बरकाती, मौलाना याकूब बरकाती, हाफिज नदीम बरकाती, जाहेद जावेद, गुड्डू लारा, हसीब अफजल, फरीद वकील, जुबैर जिसान, मीनू बरकाती, फरमान बरकाती आदि मौजूद रहे।